कल हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पलर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 14, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे थे। तो 18 क्वेश्चन आंसर तक हमने कर लिया था, जो इलेक्ट्रिक बेल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो आज पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे दोबारा से रिकैप मैं उसको करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेल की वर्किंग में कैसे हेल्प करता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हमने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग कल बीच में रह गई थी, तो दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। डायग्राम पे फिर से देखते बेटा, डायग्राम में कौन कौन से पार्ट हमारे पास गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज गोंग। क्या कहते हैं इसको? गोंग, GONG, गोंग। ये हमारे पास गोंग रहेगा। उसके लेफ्ट में क्या है हमारे पास? हैमर। ये हमारे पास हैमर है, ठीक है, ये हैमर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्ट स्क्रू, ये स्क्रू है, कॉन्टेक्ट स्क्रू। और यहां पे हमारे पास क्या है? कॉइल, ठीक है, ये कॉइल हमारे पास रहेगी। तो और नेक्स्ट बॉटम में क्या है हमारे पास? बैटरी, सेल या बैटरी जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कि जैसे ही कॉइल के थ्रू क्या होता है, करंट पास होता है, तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब इस डायग्राम में देखिए क्या होगा कि जैसे ही कॉइल के थ्रू क्या होगा, करंट पास होगा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और लेफ्ट साइड में हम देखते हैं क्या है हमारे पास? कॉन्टेक्ट स्क्रू, और स्क्रू के साथ क्या अटैच है? हैमर। और हैमर क्या है हमारे पास? आयरन मेटल्स का बना हुआ है, और आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे ही कोयल के थ्रू करंट पास होगा, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड इट विल अट्रैक्ट द हैमर। वो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड इट विल स्ट्राइक द गोंग। जो हैमर है वो गोंग को स्ट्राइक करेगा और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये जो हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है घरों के अंदर, वो वर्क करती है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ने हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो वो कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? गोंग पे स्ट्राइक कर रहा है। और उसी के साथ आप ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्टेक्ट स्क्रू है और जो हैमर है उसके बीच में गैप आ जाएगा, यानी कि जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो जाएगा। सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। ये जो कॉइल है, जैसे ही सर्किट ऑफ हो जाएगा, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो जो हैमर है वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा, और किसके साथ अटैच हो जाएगा? स्क्रू के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे वो स्क्रू के साथ अटैच होगा, फिर से जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्लोज सर्किट होगा तो कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा, कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो कॉइल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो किसको अट्रैक्ट करेगी? हैमर को। हैमर किस पे स्ट्राइक करेगा? गोंग पे स्ट्राइक करेगा। गोंग पे स्ट्राइक करेगा तो फिर से क्या आएगा? क्या क्या प्रोड्यूस होगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये वर्किंग रहेगी इलेक्ट्रिक बेल की। और किस इफेक्ट पे है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वाउंडेड ऑन आयरन पीस। तो कॉइल है, आयरन पीस के ऊपर हमने वाउंड किया हुआ है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप है जिसके एक एंड पे क्या है? हैमर लगा हुआ है, ठीक है, स्मॉल सा हैमर। ये बड़े वाला हैमर नहीं जो हम यूज करते हैं, स्मॉल हैमर, उसको हैमर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी जो हैमर की जो स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप, जब ये स्क्रू के कॉन्टेक्ट में है तो क्या है? बैटरी के थ्रू जो करंट है वो कॉइल के अंदर जाएगा और कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी।
इट देन पुल द आयरन स्ट्रिप, तो वो आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पुल करेगी. इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड. अब जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी, तो जो एक एंड पे हैमर है वो कहां पे स्ट्राइक करेगा, गोंग पे स्ट्राइक करेगा टू प्रोड्यूस अ साउंड. हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप इट आल्सो ब्रेक द सर्किट. जैसे ही आयरन स्ट्रिप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो कॉन्टेक्ट स्क्रू से वो दूर चली जाएगी और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता. द करंट थ्रू द कोयल स्टॉप फ्लोइंग. अब कोयल के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. द कोयल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब जो कोयल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है. इट इज नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप. अब ये आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं कर सकती. द कोयल द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टच द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन. अब जो ये आयरन की जो स्ट्रिप है जिसपे हैमर लगा हुआ है, ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी और कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में हो जाएगी. दिस कंप्लीट द सर्किट. अब फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. द करंट फ्लो इन द कोयल एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन. अब फिर से कोयल के अंदर करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा तो कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और फिर से आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो हैमर है गोंग पे स्ट्राइक करेगा. यही प्रोसीजर बार बार चलता रहेगा. तो इस तरह से हमें रिंगिंग साउंड सुनाई देता है. तो दिस प्रोसेस इज रिपीट इन ए क्विक सक्सेशन. द हैमर स्ट्राइक द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड. दिस इज हाउ द बेल रिंग. ये पूरी की पूरी वर्किंग है जिस तरह से बेल रिंग करती है. तो बेटा इसका डायग्राम जो है आपने नोटबुक में बनाना है और जो मैंने इस पे नेमिंग लिखी है आप भी नेमिंग लिखेंगे उस पे. फिर से मैं नेमिंग को दोबारा से बताता हूँ. ये जो बेल दिखाई दे रही है ऊपर वो है गोंग, GONG गोंग. जो कोयल है वही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह रहेगी हमारे पास और नीचे की तरफ क्या है बैटरी. अब लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर क्या हैमर, देन है कॉन्टेक्ट स्क्रू. तो ये 5 नेमिंग आपने लिखनी है. गोंग, कोयल, बैटरी, हैमर और कॉन्टेक्ट स्क्रू. जब डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो ये रहेगा. दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल ड्रॉ करवाए थे आप लोगों से. ये प्रैक्टिस नोटबुक में भी और फेयर में भी इंपॉर्टेंट टर्म में भी आप लोगों ने लिखा हुआ है. जो टेबल थी आपकी, फिर जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आए थे वहां पे भी आया है और अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में हम ड्रॉ नहीं करते, सिंबल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले किसके लिए, इलेक्ट्रिक सेल. क्या था इलेक्ट्रिक सेल में, कि भी दो पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है, एक होगी लॉन्गर लाइन एक शॉर्टर लाइन. जो लॉन्गर लाइन है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और शॉर्टर लाइन को क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, जिस तरह से आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख पा रहे हैं. नेक्स्ट है स्विच. स्विच को दो पोजिशन में हम रखते हैं, एक ऑन पोजिशन में एक ऑफ पोजिशन में. तो अब क्वेश्चन में आपसे ऑफ पोजिशन में पूछा गया है कि हम क्या करेंगे, दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दो डॉट्स लगाएंगे और डॉट्स के बीच में एक लाइन, लेकिन उसको आपस में टच नहीं करेंगे. अगर उस लाइन को टच कर देंगे तो कौन सी स्विच की पोजीशन हो जाएगी, ऑन पोजीशन पे. अब हमने ड्रॉ करना है ऑफ पोजीशन पे, तो दो लाइन को आपस में टच नहीं करेंगे. देन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप देख पाते हैं. तो जो बल्ब का जो पिक्चर होती है वो ड्रॉ नहीं करनी है हमने, सिंबल ड्रॉ करना है. देन बैटरी. बैटरी में क्या है, नंबर ऑफ सेल हमने कनेक्ट करने हैं. तो जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं उसमें 4 सेल कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो लॉन्गर लाइन, शॉर्टर लाइन, फिर लॉन्गर लाइन, शॉर्टर, देन लॉन्गर लाइन, देन शॉर्टर. तो आप 2 या 2 से ज्यादा आप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए मेक ए बैटरी यूजिंग 3 सेल 4 सेल, तब तो आपको उतने ड्रॉ करने पड़ेंगे. अदरवाइज आप 2 सेल भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3 4 जितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट ड्रॉ करते हुए हमेशा
एक लोंगर लाइन रहेगी एक शॉर्टर, तो लोंगर लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल को, शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये थे बेटा आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज करवा देता हूँ जैसे कल हमने किए थे, क्विक रिकैप, और उसके बाद फिर मैं आपकी क्यूरीज लूंगा कि कोई भी डिफिकल्टी किसी क्वेश्चन के अंदर है तो। और उसी के साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ कि कल आपके पास दो PDF आई हैं, एक में थे NCERT एग्जाम्पलर जो आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, प्रैक्टिस नोटबुक में एग्जाम्पलर हमेशा, और जो दूसरी PDF है जो NCERT क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर करने, ठीक है, फेयर नोटबुक के अंदर जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसकी PDF भी मैंने कल ही लिंक में आपको सेंड की है। तो NCERT एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो फेयर नोटबुक में करने हैं, और एग्जाम्पलर जो है आपको लर्न करके प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। चलिए एग्जाम्पलर को एक बार फिर से मैं रिकैप करवाता हूँ स्टार्टिंग से। तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर ए बी एज शोन, तो क्या क्या प्रोड्यूस पे डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट, क्यों, क्योंकि एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगी और मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज के केस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट इज द ऑप्शन सी, देयर इज ए मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट की मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन किया जाता है, मिनिमम सेफ लिमिट कोई नहीं होती है, ठीक है, मैक्सिमम सेफ लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री बल्ब ABC आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन अ फिगर व्हेन द स्विच इज ऑन, अगर स्विच ऑन होगा तो कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी, ऑल द बल्ब ABC विल ग्लो एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे ग्लो करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपका NCERT की जो एक्सरसाइज थी वहां पे भी था, वहां पे सिंबल थे, यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, क्योंकि तो एक ही बैटरी सोर्स है और एक ही स्विच से कनेक्टेड है, तो एक ही टाइम पे तीनों के तीनों बल्ब ग्लो करेंगे, साइमल्टेनियसली का भी मीनिंग यही होता है, एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन में सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप एट द स्विच, तो इसमें से कौन सा रहेगा, सर्किट इज ओपन नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, तो जो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है दैट इज करेक्ट, एंड द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, सर्किट को हम ओपन कहेंगे और उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अप्लायंसेज सर्किट, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज गैजेट या सर्किट को यूज करते हैं तो कौन सी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन, ठीक है, ऑन पोजिशन में नहीं रखना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइजिंग इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाते हुए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जब मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट वहां से फ्लो करे तो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, सर्किट को ब्रेक कर दे, जिससे सारे अप्लायंसेज सेफ रहे हमारे, तो ये प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट। नेम द डिवाइस used these day in place of electric fuse in electric circuit, आजकल हम अपने घरों में या न्यू बिल्डिंग बनती है या स्कूल के अंदर कहीं पे भी फ्यूज की जगह पे एक दूसरा सर्किट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। नेक्स्ट बेटा फिलअप है, आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, एंड इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इन इट, इलेक्ट्रिक सेल कैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होते हैं, जो केमिकल स्टोर्ड है उसके अंदर उन्हीं से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, ऐसा ही इलेक्ट्रिक बैटरी के अंदर भी होता है, क्योंकि बैटरी भी तो सेल से मिलके बनती है ना, तो अगर बैटरी में पूछा जाए या सेल में पूछा जाए कि भाई कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर रहेगा कि जी उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट पॉसिबल फायर, तो फ्यूज हमारा रहेगा सेफ्टी डिवाइस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी,
सिंपल डेफिनेशन ये रहेगी, अनस्क्रैम्बल करने बेटा वर्ड को। तो ये रहेगा आपके पास, फर्स्ट रहेगा बैटरी, सेकंड फ्यूज, थर्ड पे हमारे पास टॉर्च एंड स्विच। पहली डज नॉट हैव अ नाइट लैंप इन हर रूम, शी कवर्ड द बल्ब ऑफ हर रूम विद अ टॉवल इन द नाइट टू गेट डिम लाइट। कि भी कोई नाइट लैंप नहीं है उसके रूम में और जो बल्ब है उसको वो कवर करती है टॉवल के साथ ताकि डिम लाइट हो जाए। तो क्या ये सही स्टेप है? बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है और जैसे वो टॉवल से कवर करेंगे तो टॉवल में क्या लग सकती है? आग लग सकती है। और दूसरा क्या रहेगा? वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी वहां पे। तो ये बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं है। तो नो में आंसर इसका देंगे हम। व्हाई द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स? ये क्वेश्चन को मैंने बताया भी था, दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैंप की, जहाँ पे एलईडी भी बोला जा सकता है, कि क्यों एलईडी या फिर सीएफएल को हम प्रेफर करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक बल्ब पे। तो रीजन यही है भी, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, बट जो सीएफएल और एलईडीज हैं वहां पे लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज नहीं है, इसीलिए हम यूज करते हैं। सीएफएल डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट, हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करती है, इसीलिए हम सीएफएल को प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे। व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में फ्यूज क्यों यूज करते हैं? रीजन रहेगा, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, विच प्रिवेंट पॉसिबल फायर, या फिर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा अगर करंट आए तो वो खुद ही ब्लो हो जाता है, खुद ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो टू चेक द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज कर, फ्यूज इन अ गीजर एंड अ टेलीविजन सेट? नो, क्योंकि गीजर में जो इलेक्ट्रिक करंट लेगा और जो एक टेलीविजन इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उसकी रेटिंग अलग अलग होती है। गीजर को लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए, टेलीविजन सेट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो इसीलिए जो फ्यूज हैं वो अलग अलग तरह के यूज होंगे गीजर के केस में और टेलीविजन सेट के केस में। नेक्स्ट है बेटा, नेम द टू इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर ईच वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड। दो दो नाम बताने हैं जहां पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। तो हीटिंग इफेक्ट में आप लिख सकते हैं गीजर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक जो वाटर हीटिंग जो रोड होती है वो भी आप लिख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन टू लिफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, टॉयज के अंदर भी, तो बहुत सारी जगह पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाई डू वी कवर प्लग पिन होल विच आर विद इन द रीच ऑफ चिल्ड्रन विद सेलो टेप और प्लास्टिक कवर व्हेन नॉट इन यूज? हाँ, ये क्वेश्चन भी हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि क्यों हम जो स्विचेज यूज में नहीं है उनको सेलोपेन टेप से या फिर प्लास्टिक कवर कर देना चाहिए जो बच्चों की पहुंच में है, ठीक है, क्योंकि वो प्लग के अंदर उंगली डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसीलिए हमें उसको प्लास्टिक की कवरिंग से या सेलो टेप लगा के कवर कर देना चाहिए। भुजो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय वाइंडिंग 50 टर्म्स, पहेली आल्सो मेड इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय वाइंडिंग 100 टर्म्स, ठीक है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट द मोर पिन? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं तब भी हमने ये रिवाइज किया था कि जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रोंग होगा। तो भुजो ने 50 टर्न्स यूज किए हैं, पहेली ने 100 टर्न्स यूज किए हैं, तो जो 100 टर्न्स वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पुट करने थे, ये एक्टिविटी आपने ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, ये कौन सी एक्टिविटी है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली एक्टिविटी है। उसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, आप अपनी तरफ से और भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि व्हाई डज द नेल अट्रैक्ट द पिन, व्हाट विल हैपन इफ द वी कनेक्ट मोर सेल इन द सर्किट, ज्यादा सेल यूज करेंगे क्या होगा, स्विच अगर ऑन हो जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही आपको पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पहले टुक अ वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, भुजो टुक ए वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम मटेरियल सेम थिकनेस, बोथ ऑफ देम कनेक्ट द वायर एज शोन इन अ फिगर, जो सर्किट में आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन है Will the heat produced in both cases be equal? Explain. No. क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस है वो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करती है,
जितनी ज्यादा लेंथ होगी हीट प्रोड्यूस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दोनों में अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, तो सेम हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो नो में आंसर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं विल द हीट प्रोड्यूस बी सेम इफ द वायर टेक बाय देम आर ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट थिकनेस। दोनों की लेंथ सेम कर दो, या तो दोनों को 10 सेंटीमीटर बना दो या दोनों को 5 सेंटीमीटर, लेकिन थिकनेस अलग अलग होगी, उनकी जो मोटाई है वो अलग अलग होगी, तो क्या फिर भी सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी हीट? अभी भी नो में आंसर देंगे, क्योंकि थिकनेस पे भी डिपेंड करता है हीट प्रोड्यूस। तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है। सो अगर डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है तो हीट प्रोड्यूस विल बी डिफरेंट। सेम थिकनेस और सेम लेंथ है और सेम मटेरियल है, फिर सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। और सेम मटेरियल सेम थिकनेस लेंथ डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, फिर भी हीट प्रोड्यूस डिफरेंट रहेगी। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभी डिस्कस किए बेटा हमने इलेक्ट्रिक बेल में, ठीक है। अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस नोटबुक में बना बना के देखना है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंटरनल क्वेश्चन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 19 को था फेयर नोटबुक में भी कर सकते हैं, कर नहीं सकते इसको करना ही है, क्वेश्चन नंबर 19 को तो फेयर नोटबुक में आप कर ले, इंपॉर्टेंट टर्म की फॉर्म में कर ले, इंटरनल क्वेश्चन की फॉर्म में कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये बेटा एग्जाम्पलर की दोबारा से मैंने रिविजन करवाई है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पलर को तो आपने प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 19 को फेयर नोटबुक में करना है। और जो कल जो दूसरी पीडीएफ मिली थी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो फेयर नोटबुक में करनी है, और आपको जल्दी से आपकी नोटबुक कंप्लीट करनी है चैप्टर 14 की, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन की कोई भी क्यूरीज है, कोई डिफिकल्टी है वो ली जाएंगी बेटा, ठीक है। तो वन बाय वन आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है आप। राजन सर यस राजन सर